अमरोहा नगर के मोहल्ला करनपुर रोड तकिया शाह पर कॉटन वेस्ट कारखाने में शॉर्ट सर्किट की वजह से शनिवार को आग लग गई। आग इतनी भयंकर लगी जिस पर काबू पाने में दमकल विभाग की टीम को काफी घंटे का समय लगा। कॉटन वेस्ट कारखाने में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। थोड़ी देर में आग चारों ओर फैल गई। आग की लपटें आसमान छूने लगी। लपटों को देखकर आसपास के घरों में मौजूद दहशत अजदा लोग भी बाहर निकल आए। मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने चार गाड़ियों की मदद से काफी घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने के कारण कॉटन वेस्ट की मशीनें जलकर खाक हो गईं, जबकि कारखाने की दीवारों में दरार पड़ गई। अग्निकांड में भारी नुकसान बताया जा रहा है। शुक्रवार की रात को मजदूर कारखाने में काम करके अपने अपने घर चले गए। शनिवार की सुबह करीब 7 बजे अचानक शॉर्ट सर्किट से कारखाने में आग लग गई। थोड़ी देर में आग ने कच्चे और पक्के माल को चपेट में ले लिया। इससे पहले लोग कुछ समझ पाते आग की लपटें आसमान छूने लगी, आसपास के लोगों ने मामले की जानकारी संजय अग्रवाल को दी। थोड़ी देर में आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंच गई। दमकल कर्मियों ने पानी की बौछार कर आग बुझाने के लिए कड़ी मशक्कत की। लोगों ने भी सबमर्सिबल चलाकर आग बुझाने में मदद की। करीब कई घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। अनुराग तोमर ने बताया कि कारखाने में रखा सामान जल गया है। समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। कोई जनहानि नहीं है। कारखाने में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया गया है। कारखाना मानकों के अनुरूप चल रहा था या नहीं, आग बुझाने के यंत्र लगे हुए थे या नहीं, दोनों बिंदुओं पर जांच की जा रही है। संजय गोयल, दुर्गा कॉलोनी अमरोहा। सर, फायर लगी है, अब ये पता नहीं किस कारण लगी है। तो सर, इसकी घटना कैसे पता चली आपको? ये लोगों ने अब देख के बताया। हम तो अभी घर पे थे, तो स्टाफ भी नहीं आया था कारखाने में। लगभग कितने समय की बात है ये? हम लोगों को सही मानों में अब 7 बजे के बाद पता लगा है सुबह। सर, यहाँ पे पानी की व्यवस्था क्यों नहीं होती आपके कारखानों में? नहीं, पानी की व्यवस्था है लेकिन इतनी नहीं है जो पर्याप्त मात्रा में हो। समरसेबल भी है मेरे यहाँ, जनरेटर भी है, लेकिन सब फेल हो गए। इस वक्त काम नहीं कर पा रहे वो भी, और लाइट गायब हो चुकी है। लगभग कितना नुकसान होगा? नुकसान मैं मानता हूँ 6-7 लाख रुपए से कम का नहीं है। सही आइडिया नहीं। सर, आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम है फायर ऑफिसर अनुराग तोमर। अच्छा, आज जो आग लगी है क्या मामला है सर ये, और कहाँ लगी है? सर, ये सलेमपुर रोड में मोती शाह कॉलोनी है, इसमें आग लगी है कॉटन वेस्ट फैक्ट्री में। सुबह सूचना आई थी, तुरंत हमारी गाड़ी तत्काल मौके पहुंची। मैं भी मौके पर रहा तो देखा यहाँ कॉटन वेस्ट फैक्ट्री है, एक बिल्कुल कंजेस्टेड इलाके में। ना इनके पास कोई व्यवस्था है, ना पानी की कोई व्यवस्था है। तो उसमें हम फायर फाइटिंग कर रहे हैं। 2-3 गाड़ियों से हमारी फायर फाइटिंग हो रही है। एक वाटर मिस है, 2 हमारी डाइट है। क्या नाम है कारखाने मालिक का? हाँ, कारखाने मालिक का नाम संजय गोयल। क्या नाम है? तौफीक अहमद। कहाँ से? मोहल्ला कुरैशी पास से हो। यहाँ आग लगी है, क्या है पूरा मामला? यहाँ आग लगी थी तो हम जो लोग जो आए उस अपने फैक्ट्री में, तो यहाँ देखा गोयल साहब का वहाँ आग लग रही थी, तो हमने गोयल साहब को फ़ोन करा। तो वो पहले देख के जा चुके थे, तो फिर वो आने के बाद हमने ताला तोड़ा तो आग ने बढ़ने नहीं दिया। दूसरी साइड से जब खोला है, जब बढ़ने दिया आग। कैसे जानकारी हमें? ये धुआं उठ रहा था बहुत तकड़ा, पहले तो हमने सोचा कबाड़ा जल लिया, फिर जो देखा तो आग आगे आग लगी पड़ी। यहाँ कोई फैक्ट्री बंद थी गोयल साहब की, यहाँ कोई नहीं था। लगभग करीब 7-7 बजे के टाइम की बात है।